सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मन अदर वीडियो। मेरा नाम है दीपांशु एंड यू आर वॉचिंग दीप ट्रैवल ब्लॉग। सो गाइज, इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं यार, हमने आखिर क्यों खरीदा है ये माइक, जो कि गाइज वीडियो में आपको बताता हूँ मैं कितने का है भाई। ये है सिर्फ 400 रुपये का भाई। हाँ, सिर्फ 400 रुपये का। तो यार आखिर ये इतना, ये देख सकते हैं आप नाम इसका, ये बोया का माइक है यार। बोया इसका है M1 माइक का नाम। तो यार ये मैंने खरीदा है चांदनी चौक दिल्ली से। तो यार ये मुझे मिला है ऑफलाइन मार्केट 400 में। ये मैं ऑनलाइन देख रहा था यार, 700 800 का मुझे मिल रहा था, बट मुझे वहाँ काफ़ी अच्छी डील मिल गई तो मैंने वहाँ से तुरंत बाय कर लिया। तो यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यार कि आखिर आपको क्यों लेना चाहिए ये माइक, क्योंकि यार आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है, वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है अगर आपके पास माइक नहीं है यार। एक वीडियो को बनाने के लिए सबसे मेन होता है माइक, और दूसरी होती है पिक्चर की क्वालिटी। अगर आपके एक अच्छा सा माइक है आपके पास, और अगर आपके पास कैमरा अच्छा नहीं है तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है, और अगर आपके पास कैमरा अच्छा है लेकिन माइक अच्छा नहीं है तो उसकी भी दिक्कत है। तो भाई इसलिए मैंने परचेज किया यार ये बोया का माइक। तो यार इसमें आपको दिखाता हूँ कि अंदर आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो गाइज ओपन तो मैं वैसे ही कर चुका हूँ यार, फिर भी मैं आपके साथ में दोबारा ओपन करके दिखा देता हूँ कि यार इसमें मुझे मिलती है कुछ, ये मैनुअल बुक, ये भाई हम फेंक देते हैं साइड में, और ये कुछ लिखा है, आप जिसको चाइनीज आती है भाई वो देख सकते हैं, तो इसको भी हम रख देते हैं साइड में। तो मेन है भाई इस खजाने की पोटली में, इसी खजाने की पोटली में है भाई सारा सामान जो मेन है। तो भाई खोलते हैं हम खजाने को और देखते हैं इसमें आखिर आपको। ओहो तो यार ये आपको माइक का कोलर पे लगाने का मिल जाता है, और एक आपको एक कनेक्टर मिलता है जिससे आपको होम थिएटर वगैरह किसी में मतलब प्लग करना हो तो आप देख सकते हैं, ये भी अच्छी चीज़ है यार काफ़ी। तो ये दो चीज़ें हमें मिल जाती है, और ये मैंने इसमें पहले ही लगा दिया था ये इसका नॉइस के लिए। तो भाई ये करीबन करीबन यार इसमें पता नहीं यार लिखा नहीं है, बट ये काफ़ी बड़ा वायर है यार, मतलब अगर आप ब्लॉगिंग करते हो, अगर आपका कैमरा आपसे थोड़ा दूर है तो आप बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हो यार, इसको आप यहाँ पे ऐसे लगा सकते हो, कि मेरी टी शर्ट ब्लैक है ऐसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये आपका यहाँ पे लग चुका है। तो यार अगर आपके मोबाइल या आपकी मतलब जो भी कैमरा है जिससे भी आप शूट करते हो, अगर आपका काफ़ी दूर भी है तो यार आप ये वायर देख सकते हो, पर काफ़ी लंबा है, करीबन करीबन यार ये होगा 10 मीटर तो मुझे लग रहा है, नहीं 10 तो नहीं, खैर 8 9 मीटर तो होगा। और गाइस आपको एक मिल जाता है कि यहाँ पे एक बटन, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कैमरे के लिए यूज़ करना है या आपको फ़ोन के लिए, तो आप यहाँ पे अप एंड डाउन कर सकते हैं। जैसे आप इसको खोलेंगे ना, मैं इसमें सेल अलग से आता है, मैं इसमें लगा चुका हूँ पहले ही, तो आप जैसे ही इसको खोलेंगे इसमें आपको यहाँ मिल जाएगा एक सेल। तो आप अगर यार ये सेल वैसे ना 4 5 महीने चल जाता है, मैंने और भी यूट्यूबर से पूछ के देखा है, काफ़ी मतलब 4 महीने आराम से चल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और जैसे आपका ख़त्म भी होता है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप घड़ी वगैरह या मोबाइल की शॉप पर जाके आप इजीली इससे 50 रुपये के अंदर अंदर यार आराम से आ जाता है, 50 30 रुपये में, तो आप वो भी लगा सकते हैं। और बाकी एक यहाँ पे आपको क्लिप भी दिख रही होगी, यहाँ पे आपको ये लिख सकते हैं ये वाली क्लिप, आप यहाँ पे भी इसको ऐसे कॉलर में करके लगा सकते हैं। तो भाई मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि यार एक जो मैं विदाउट माइक शूट कर रहा हूँ इस वक्त, और अभी मैं इसको माइक से शूट करके दिखाता हूँ, तो आप वीडियो की पिक्चर क्वालिटी में देख सकते हैं कैसा डिफरेंस आता है, चलिए आपको दिखाते हैं। सो गाइस इस वक्त जो आप सुन रहे हैं यार वो आवाज़ आ रही है इस माइक से, तो आप वीडियो में अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि यार वीडियो की क्वालिटी में आवाज़ कैसी आ रही है। तो जो साउंड है यार, साउंड काफ़ी मेन प्ले करता है, तो आप भाई साउंड का यार बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपकी, बेशक आपकी वीडियो का प्रोडक्ट कैसा भी हो, मतलब प्रोडक्ट तो अच्छा ही हो तभी आप रिव्यू करो, दूसरों को तभी रिकमेंड करो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यार आपकी जो माइक की क्वालिटी है, जो कैमरे की क्वालिटी, वो आपकी वीडियो में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली चीज़ है। अगर आपकी वीडियो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो यार आपकी वीडियो को कोई पहले के पहले स्किप कर देगा। तो गाइस ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिए। अगर यार आप माइक कोई सा भी लें,
बट मैं इसको आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार ये माइक जो है ना, ये आप 1000-1200 तक के माइक से भी काफी अच्छा माइक है ये, तो इसे आप जरूर ले सकते हैं। और ये माइक आपका किस किस चीज में यूज हो सकता है यार, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये माइक आप यूज कर सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग में, मोटो ब्लॉगिंग में, हेलमेट में लगा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ तो मेनली मैंने इसीलिए मंगाया है। बाकी एक मैं आपको और दिखाऊंगा मार्वेल का माइक जो मैंने मंगाया है, तो अगली वीडियो में यार मैं आपको वो रिव्यू करके दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ।